हेलो। हाँ बेटा, कहाँ पर हो? हाँ बाबा, हमें जरा बाहर जाना है, तुम घर आओ जल्दी। नहीं नहीं, वाकई? अच्छा खुश मत हो, जल्दी से घर आओ, जल्दी आओ, जल्दी, देर हो रही है। मैं घर जा रहा हूँ। उठ मादर चोद, उठ। नाम बता अपना। मेरा नाम बाजीराव है। किसकी बाजीराव? बाजीराव मुठ्ठल। अच्छा, बाजीराव मुठ्ठल। तो ये बता, मुठ कब से मार रहा है तू? जब से तू अपनी माँ के नहीं बाप के पेट में था। ओ, बाप के घुटनों में था। खिचड़ी के मजाक चल रहे हैं यहाँ। बता कब से मार रहा है मुठ? बताता हूँ सर, बचपन से ही मारते हुए आ रहे हैं। अच्छा, किसने मारना सिखाया तुझे? सर, स्कूल के एक हरामी लौंडे से मेरी दोस्ती हो गई। वो मादर चोद 21 साल का था और मैं कोई 12-13 साल का था। तो मुझे कहता है कि तेरे पास लुल्ली है? मैंने बोला हाँ है। तो कह रहा है कि इसे शेक शेक कर वाइटो निकलेगा। मैंने बोला क्या? कह रहा है शेक शेक कर वाइटो निकलेगा। मैंने करने लग गया। अब जब किया तो मेरा पेशाब निकल गया। लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने किया तो वाकई में वाइटो निकला। सर, फिर जो मेरी जिंदगी में बवाल आना था। अबे मादर चोद, इतना डीप क्यों जा रहा है? डेली रूटीन बता अपनी। सर, उठो, ब्रश करो तो मारो, थरक चढ़े तो मारो, डिनर करो तो मारो, लंच करो तो मारो, मूड हो तो मारो, दुखी हो तो मारो, सोने से पहले मारो, खुश हो तो मारो, ब्रांडी लव की न्यू कलेक्शन आए तो मारो, मारनी हो तो मारो। मादर चोद, छोड़ दे वरना मर जाएगा। मौत का एक दिन मुअय्यन है, टेंशन आ भी गई तो क्या हुआ, मुठ में मार दूंगा। अगर हिलाना बंद नहीं किया ना, तेरी कान फाड़ दूंगा। सुना है तुम्हारी शादी भी हो गई थी? हाँ, तो उसका क्या हुआ? साहब, हुआ ये कि मेरी स्वागरात थी। हर मर्द को इंतज़ार होता है अपनी स्वागरात का। मुझे भी इंतज़ार था। मुठ मारने से पहले मैं भी बहुत इंटरेस्टेड था। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि मेरी स्वागरात, मैं कमरे में गया, वो कमरे में मौजूद थी। मैंने घूंघट उठाया, पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिंदा औरत मेरे सामने बैठी हुई है। मैं उसको बार बार यूँ टच कर करके देख रहा हूँ। खैर, स्वागरात की रात थी, हमने सब किया, सब हो गया, फ्री हो गए, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद जब मैं उसके बराबर में आके लेटा तो आगे से मुझे कहती है, आप तो फिंगरिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, इससे आगे भी कुछ करो ना। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि ना उन्होंने तकलीफ ना दी। अच्छा, खैर, हमने सुना है कि तुम शायर भी हो, शायरी भी कर लेते हो। हाँ, सुना दो कुछ। सुना देंगे छोटे, जोकर वाला म्यूजिक लगा दे। कि उल्लू को जागने के लिए रात चाहिए। सर, मेरा साथ दीजिएगा। कि उल्लू को जागने के लिए रात चाहिए, हम तो सिंगल लौंडे हैं साहेब, मुठ मारने के लिए हाथ चाहिए। अबे भोसड़ी के फिर मुठ, ये मुठ से बाहर निकलो वरना मर जाओगे मुठ मुठ के चक्कर में। अच्छा, वो रैप तो सुनाओ जरा। सुना है, बड़ी तारीफ है तुम्हारे रैप की, हमें भी सुनाओ। हम
खुला खाता खुला नाता मुसल कहलाता मैं जात मेरी ऐसी के सबको बताता मैं सोच तेरी मुख्तसर समझ नहीं आता मैं समझ नहीं आता मैं समझ नहीं आता मैं टेंशन है सर पे एंजाइटी है बढ़ती मुझे जब भी लगती ये टेंशन सारी घटती बंदियाँ रखो लम पे ये बंदियाँ मुझसे जलती मुठ कभी मैं लेट के लगाता मुठ कभी मैं बैठ के लगाता मौका मिला तो मैं मुट्ठी लगाता मैं मुट्ठी लगाता मैं मुट्ठी लगाता घर वाले शांतों फिर कुंडी लगाता मैं मुट्ठी लगाता मैं मुट्ठी लगाता मैं मुट्ठी लगाता दिल से लगाता हूँ हाथ से लगाता हूँ पैर से लगाता हूँ टिशू से लगाता हूँ कुछ नहीं मिले तो सूखी लगाता मैं सूखी लगाता हूँ मैं सूखी लगाता हूँ एवरीबॉडी कम ऑन इन द हाउस बेबी तुझे मालूम है कि तुझे कहाँ लेके आए? कहाँ? मुठ छोड़ एसोसिएशन में। तो यहाँ पे मुझे मेरी मुठ छोड़ने के लिए लेकर आए? हाँ हाँ ठीक है छोड़ दूंगा लेकिन एक शर्त पे। क्या? कि वो मुठ मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा। सर एक बात भोसड़ी जब इतना कुछ बोल दिया है तो ये भी बोल दो। मतलब आपके दिमाग में टेंशन है नहीं है क्या? बेगम ख्वाहिशात नहीं करती, माँ पैसा नहीं मांगती, बाप डांटता नहीं है क्या, भाई की ख्वाहिशात देखी नहीं जाती, बच्चे परेशान नहीं करते, दुनिया की टेंशन नहीं है क्या, फ्यूचर की टेंशन नहीं है क्या, आने वाले वक्त की टेंशन नहीं है क्या? है ना, हमारे साथ भी इतना सब कुछ है, आपके साथ तो फिर बेगम है, हमारे साथ तो वो भी नहीं है, सिर्फ एक हाथ है। तो सर मारने दीजिए, है ना टेंशन? अच्छा इधर आए जल्दी आए। अच्छा ऐसा नहीं रो, बस बस है ना टेंशन है ना। एक बात बोले, लगा मुठ पका दुख। हाँ सर मज़ा आया नहीं आया? मज़ा तो आया। अब कल का बताएं क्या प्लान है, लेट के लगाएंगे या बैठ के लगाएंगे? यार कल लेट। दोस्ते इफ यू एंजॉय द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और अगर मैंने मुठ्ठल पे वीडियो बनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुठ्ठल हूँ, मैं नहीं हूँ, ये देखो सही है। और वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टेंशन है सर पे एंजाइटी है बढ़ती मुझे जब भी लगती है टेंशन सारी घटती।